अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्राउज़र डिज़ाइन। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे शर्ट में से फैब्रिक बचा था जिसकी मैंने चौड़ाई 1 इंच ले ली थी। अब मैं इसको डबल फोल्ड करके 1 पाउंड की इसको सिलाई लगा लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, मेरी ये सिलाई लग चुकी है। इसी तरह मैंने ये बहुत सारी पट्टी बना ली थी। अब मैंने नीडल में एक धागा लिया है। अब मैं इस पट्टी को सीधा करूँगी। इस पट्टी को 2 तरीक़ों से बनाया जाता है। पहला तरीका मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ डिज़ाइनिंग में। ये दूसरा डिज़ाइन है, इसके ऊपर सिलाई नज़र नहीं आती, उस वाली पट्टी के ऊपर सिलाई नज़र आती है। ये देखें व्यूअर्स, इसको सिंपली मैं सीधा करती जाऊँगी और ये देखें मेरी जो पट्टी है वो सीधी हो चुकी है। अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी पट्टी बनके तैयार हो चुकी है। मैंने इसको प्रेस भी कर लिया था। अब मैं इसको 2-2 इंच का कटिंग कर लूँगी। मुझे ये बहुत सारी चाहिए तो मैं इनको काफ़ी सारी काट लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये भी मेरी पट्टियाँ कट चुकी हैं। ये जो मैंने पेपर लिया है ये भी मैंने 2 इंच चौड़ा लिया है और लंबाई मैंने अपने ट्राउज़र के मुताबिक ली है। सिंपल ट्राउज़र मैंने कटिंग कर लिया था। अपने ट्राउज़र जो आप कटिंग करेंगे उसकी 4 इंच आप लेंथ कम लीजिएगा, क्योंकि ये जो मेरा पैटर्न है ये 4 इंच का तैयार होगा। अगर आप जो ट्राउज़र कटिंग है वो आप पूरी कर लेंगे तो फिर आपका पैटर्न लगेगा तो ट्राउज़र आपका बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अपनी पट्टियों को सिलाई लगा लिया है एक साइड से। अब मैं दूसरी साइड पर अपनी पट्टियों को सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह मैं ये अपनी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कटिंग कर लेंगे जल्दी से। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्राउज़र डिज़ाइन है, पहनने के बाद तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। और ये मैंने अपने ट्राउज़र को सेंटर से सिलाई लगा ली थी क्योंकि ये पेंट ट्राउज़र था। बीच में से एक नोचिस भी लगा लिया था ताकि सेंटर जो है सेंटर के साथ बिल्कुल परफेक्ट हो। और एक मैंने ऊपर रख के सिलाई लगा ली। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं इसके नीचे जो फैब्रिक लूँगी उसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है। लंबाई अपने ट्राउज़र के मुताबिक ली है। नीचे अपना फैब्रिक रखूँगी और ऊपर अपना पैटर्न रख के 1 पाउंड की सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये सिलाई लग चुकी है। अब मैंने इसके नीचे अपने ट्राइंगल्स बनाऊँगी, उसके लिए मैंने ये बॉक्सेस कटिंग किए हैं 3.5 इंच चौड़े, 3.5 इंच लंबे, जो मैंने 2 कलर में ले लिए हैं। एक मैंने शर्ट के पीस में से लिया था फैब्रिक और एक ट्राउज़र का था। अब मैं इनकी किनारी किनारी पे सिलाई लगा लूँगी। इनको फुल चारों तरफ एक सिलाई लगा के बॉक्स बना लूँगी। फिर ये मैंने बीच में से कटिंग कर दिया था, ट्रायंगल शेप बना दिया था। फिर कोई टुक पिक की मदद से या बाल पिन की मदद से आप इसकी नोक को अच्छे से बाहर निकाल लीजिए। देखिए मैं बाल पिन यूज़ कर रही हूँ और इसी तरह मैं अपने सारे ट्रायंगल्स की नोकें ठीक कर लूँगी। फिर इनको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसी तरह मैं अपने सारे ट्रायंगल तैयार कर लूँगी। अगर मेरी व्यूअर्स वीडियो आज की अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, मेरे सारे ट्रायंगल सीधे हो चुके हैं, मैंने अच्छे से इनको प्रेस भी कर लिया। अब मैं इसके आगे का डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमने ट्रायंगल का सेंटर लिया। अब थोड़ा सा उधर से कपड़ा उठाया, थोड़ा सा इस तरफ से उठाया। हमें कुछ इस शेप का समोसा चाहिए। आप दोबारा देखें, ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हमारा साइड पे जो नोके बचेंगी उनको मैं कटिंग कर लूँगी। और ये मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस होने के बाद ये कुछ इस तरह का लगेगा। ये देखिए व्यूअर्स, इसी तरह के मैं अपने सारे ट्रायंगल्स बना के तैयार कर लूँगी। और ये देखिए मेरे बन के तैयार हो चुके हैं। अब ये मैंने ट्राउज़र से जो मेरा डिज़ाइन था वहाँ से मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया था और एक चौक से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली थी और उसके ऊपर मैंने ये अपने उल्टे रख कर, ट्राउज़र जो था वो मेरा सीधा था और ये जो ट्रायंगल्स थे ये मेरे उल्टे थे। और मैं इनको एक किनारी पे सिलाई लगाती जाऊँगी। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बन रहा है और माशाल्लाह ये कितना प्यारा लग रहा है। अब ये देखिए व्यूअर्स, अब इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। जो हमारा नीचे फैब्रिक है उसको फोल्ड करेंगे और अपनी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे, फिनिशिंग कर लेंगे। बाद में इसको अच्छे से प्रेस करके
तो मैं तरपाई कर लूँगी, यहाँ पे अब मैं तरपाई कर लूँगी। और अब पेपर रिमूव कर देंगे अपना। ये देखिए व्यूअर्स, ये थी मेरे ट्राउज़र की फाइनल लुक। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कर दे। अब मैं इसको अपने ट्राउज़र के मुताबिक इसको फिटिंग कर लूँगी। मैं अपने ट्राउज़र की फ़िटिंग 7 इंच रखूँगी, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो। ये है मेरे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कोई चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।